ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दो ऐसे घरों के बारे में है जो जनरली अगर पैसों की बात करी जाए तो कुंडली में जनरली अवॉइड ही करे जाते हैं। देखिए ये दो घर ऐसे घर हैं कुंडली के अंदर जिनकी अगर आप एनालिसिस करें तो ना सिर्फ आपको बहुत बढ़िया आइडियाज मिलेंगे जिंदगी में काम करने के, न्यू आइडियाज जो एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज होते हैं, और उसके साथ साथ दूसरों का जो सपोर्ट मिलता है अपनी लाइफ में लक के बेसिस पे, यानी कि फंडिंग हो गई स्टार्टअप के लिए, वो भी मिलेगी। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बेस्ट वीडियो रहने वाली है। देखिए आपने अपनी कुंडली के अंदर दो घर देखने हैं, पांचवा घर और नौवा घर। हम इस 1, 5 और 9 को त्रिकोण हाउसेस भी बोलते हैं। तो त्रिकोण हाउसेस के दो मेजर हाउसेस 5th house and 9th house हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। देखिए जो 5th house और 9th houses हैं, अगर ये तो हाउसेस किसी के स्ट्रांग हो, बहुत बढ़िया लेवल का एंटरप्रेन्योर बनता है, और ऐसा एंटरप्रेन्योर बनता है जिसकी लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं, लोग अपने पैसे लगाते हैं इसके ऊपर, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 5th house की सिग्निफिकेंस के साथ। सबसे पहले 5th house हर एंटरप्रेन्योर का सबसे बेस्ट घर होना चाहिए। देखिए 5th house आपका एक तरह से क्रिएटिविटी दर्शाता है। वैसे तो हम 5th house के साथ, यानी कि इस हाउस के साथ हम आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके चिल्ड्रन कैसे हैं, यानी कि चिल्ड्रन क्या चीज है जो आपने क्रिएट करा खुद, तो एक तरह से 5th house से हम आपकी क्रिएटिविटी भी देखते हैं। जिस व्यक्ति का 5th house स्ट्रांग होगा उसकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होगी, उसको न्यू ओरिजिनल आइडियाज आते होंगे दिमाग में। देखिए जो लोग अपना नया आइडिया लेके अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं आज के एज में, उनका 5th house स्ट्रांग होता ही होता है। 5th house को हम अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो गॉडेस ऑफ वेल्थ का घर माना जाता है, यानी कि लक्ष्मी स्थान जिसको कहते हैं वो 5th house होता है, लक्ष्मी का वास होता है 5th house में। जिस व्यक्ति का 5th house स्ट्रांग है, ना सिर्फ उसको नए आइडियाज आएंगे, नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, अपने ओरिजिनल आइडियाज, इसके साथ साथ ये इतना क्रिएटिव होगा कि नए आइडियाज इंप्लीमेंट करने में भी बहुत शातिर होगा। 5th house बेसिकली ये दर्शाता है कि हम क्या अपने दम पे क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका 5th house वीक होगा, एक तो आपको बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप क्रिएशन यानी कि बच्चे भी आप क्रिएट कर रहे हैं, उसमें भी आपको इश्यूज आएंगे, साथ के साथ नए आइडियाज आपके पास बहुत कम आएंगे। जिनका 5th house वीक होता है उनको जनरली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पुराने आइडियाज वाले काम करिए, या तो बहुत ऐसे आइडियाज जो प्रूवन आइडियाज हैं एक तरह से, उस पर काम करिए, क्योंकि आपको नए आइडियाज बहुत कम आएंगे। ऑन द अदर हैंड क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स नए आइडियाज क्रिएट करके उसके ऊपर बिजनेस क्रिएट करते हैं, उनका 5th house बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो 5th house त्रिकोण ऐसा हाउस है, त्रिकोण जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एज में वेल्थ के लिए, और गॉडेस ऑफ वेल्थ जैसे कि मैंने बताया इसी में बास करती है। तो 5th house स्ट्रांग होएगा, वेल्थ आपकी ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। अब हम आगे अपने दूसरे त्रिकोण हाउस पे जो है नौवा घर, 9th house, ये दूसरा त्रिकोण घर है। 3 त्रिकोण घर होते हैं, 1st, 5th and 9th, उसमें से हम 9th house की बात करेंगे। देखिए 9th house ऐसा हाउस है जो आपकी अगर कुंडली में स्ट्रांग है, आपके लक के बेसिस पे काम निकलेंगे। लक हम 9th house से देखते हैं, और साथ के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, स्पिरिचुअल ट्रेवल्स हम 9th house से देखते हैं। देखिए जब आपका लक स्ट्रांग होगा, दूसरे व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प के लिए किसी ना किसी तरह आ जाएंगे। तो जिस एंटरप्रेन्योर का 5th house जो क्रिएटिविटी का हाउस है, यानी कि आइडियाज आ रहे हैं आपके पास, और साथ के साथ 9th house यानी कि लक, दूसरों की सपोर्ट 9th house से देखते हैं, दूसरों की सपोर्ट भी स्ट्रांग है, तो 1 मिनट में फंडिंग मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनका 5th and 9th house स्ट्रांग है, नए नए आइडियाज निकाल के, हर 2-3 साल में एक नया आइडिया निकालिए, फंडिंग लीजिए, बिजनेस बेचिए, नया आइडिया करिए, ये आपको करना चाहिए। देखिए 5th और 9th house ऐसे दो हाउसेज हैं जो जनरली इग्नोर करे जाते हैं पैसों के लिए। पैसों के लिए नॉर्मली लोग 11th house ऑफ 2nd house ही देखते हैं, बट वो ओल्ड स्टाइल ऑफ मनी होगी एक तरह से। जो 5th and 9th house है, ये क्रिएटिव तरह से कैसे मनी कमाई जाए, आइडिया निकाल के रातों रात कैसे पैसे कमाए जाए, ये दर्शाते हैं। साथ के साथ एक और मैं योग बताना चाहता हूँ। देखिए 5th house अगर आपका स्ट्रांग है, साथ के साथ 9th house स्ट्रांग है, यानी कि दूसरों की सपोर्ट आपको मिलेगी, और इसके साथ अगर आपका 8वां घर भी स्ट्रांग हो जाए, 8वां घर क्या होता है, दूसरों की वेल्थ, फ्री में दूसरों की वेल्थ, तो ऐसा योग बनता है कि आपको लोग धड़ाधड़, आप एक आइडिया आपने मार्केट में निकाला, उस पर बहुत सारे फंडर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंडिंग करने आ गए, ऐसा योग बन जाता है। तो 5th house, 9th house, त्रिकोण ऐसे हाउसेज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इन दोनों के जो लॉर्ड्स हैं, देखिए आपने क्या करना है, अगर इन दोनों हाउसेस को आपने एक्टिवेट करना है, ये उसकी बात करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स को 5th house और 9th house स्ट्रांग करना चाहिए। आप कैसे स्ट्रांग करें,
कैसे एक्टिवेट करें, आइए इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका राहु बैठ गया, लेट सपोज फिफ्थ हाउस में आपके राहु बैठ गया और मूल नक्षत्र में बैठ गया। आपने क्या करना है, फिफ्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मूल नक्षत्र के बारे में स्टडी करिए, उसका जो लॉर्ड है, उसकी जो डीटी है, उसको आपने वर्शिप करना है। देखिए, जो आपका प्लैनेट एक तो रूल कर रहा है फिफ्थ हाउस को और दूसरा जो बैठा है, इन दोनों प्लैनेट्स के नक्षत्र चेक करिए, उन नक्षत्र के जो रूलर्स हैं, उनकी जो डीटीज हैं, उनको वर्शिप करेंगे, फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा। इसी तरह से नाइन्थ हाउस में जो बैठे हैं प्लैनेट्स, अगर खाली है तो जो उसका लॉर्ड है, उस लॉर्ड की स्थिति देखिए, किस घर में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा होगा उस नक्षत्र की डीटी को वर्शिप करिए, ऑटोमेटिकली नाइन्थ हाउस स्ट्रांग होगा, ऑटोमेटिकली आपका लक स्ट्रांग होगा। तो फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस हर एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बेस्ट घर होते हैं दो, ये दोनों हाउसेस की स्टडी करिए, इनको स्ट्रांग करिए और अपने आइडियाज निकाल निकाल के दूसरों की फंडिंग लीजिए। धन्यवाद।